आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा बार कोड है वो अकाउंटिंग बार कोड है। आपने पहले बहुत सी वीडियो में देखा होगा जिसके अंदर हमने क्या बनाया था, आइटम बार कोड बनाया था। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अकाउंट्स बार कोड बनाते हैं। अकाउंट्स बार कोड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जब किसी को हमें कोरियर करनी होती है तो मैनुअली हाथों से ना लिख के क्या करते हैं, हम उसका एक स्टिकर निकाल के बार कोड करते हैं। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले मैं एक पार्टी बना लेता हूँ और उस पार्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल कर देता हूँ। पर्सनल क्या होता है पता नहीं आपको? ठीक है, अभी बन गया। अब मुझे इसके कोरियर करनी है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, ऐड बार कोड के अंदर आओगे, सबसे नीचे लिखा होता है आइटम या अकाउंट। तो मैंने इस पे गया और ये एंटर गया, कह रहा है आइटम के हिसाब से बार कोड निकालना है, मैंने बोला नहीं अकाउंट्स के हिसाब से। तो कहाँ गया, कॉन्फिगर अकाउंट लेवल, इस पर क्लिक करा, फिर एक नया फॉर्मेट बनाया सेम वही करके, ठीक है, न्यू फॉर्मेट के नाम से, और ओके कर। उसके बाद मैं कहाँ पर गया, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गया और यहाँ पर आता है सेलेक्ट शीट टाइप कस्टम या प्रीडिफाइंड। तो आपका जो भी रोल का पैटर्न होगा वो डाल देंगे, कौन से प्रिंटर से निकालना है उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर विंडो, हाँ वही प्रिंटर से निकल सकता है, कंटिन्यू रोल। फिर एक रो पे कितने निकलेगी, इसके लिए वन होता है ऑलमोस्ट, दो नहीं होता इसके लिए, क्या होता है आपका पूरा एक ही बार कोड आता है। तो मैंने बोल दिया मैंने बारकोड का साइज़ यही है, नो चेंज नहीं, जो बारकोड का साइज़ होगा वो डाल देंगे। आ गया देखो, सबसे पहले क्या आ गया, अकाउंट नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसका ये, फिर ये चार लाइन का एड्रेस होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूँ, सेव कर दिया, अब मुझे कहा मुझे बारकोड निकालना, मैं कहाँ गया, प्रिंट अकाउंट लेवल, क्लिक करा न्यू फॉर्मेट, जो मेरा फॉर्मेट का नाम था वन आइटम, तो मैंने वन आइटम करा, उसके बाद ओके कर दिया। किसके निकालना है, तो मैंने बोल दिया ठीक है संकल्प। देखो सर करने से बेनिफिट क्या हुआ, उसका नाम ऑटोमेटिक छप के आ गया ऊपर, आ गया उसकी कंपनी का पूरा एड्रेस, एड्रेस आ गया और क्या है वो आ गया ना, लेकिन इतना लुक नहीं दे रहा, थोड़ा स्टाइलिश नहीं, लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे, देखो कैसे हो, मैं कोई भी नाम सिलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से बार कोड आ जाएगा, क्योंकि हमने कन्फिग्रेशन में क्या बोला है, हमने बोला है कि अकाउंट नेम, कि जो भी अकाउंट का नेम हो उसके हिसाब से आप इसको उठाओ, ठीक है। तो इसने उसके हिसाब से उठाया, अब इसको उठा के मैंने ऊपर रखा, मैंने कहा मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से अंडरलाइन को नो कर दोगे, इसमें अंडरलाइन है नीचे रहेगी, ठीक है, तो इसमें रख रख दे, फिर हटा, चलो रखे रहने दो, ठीक है। देखो सबसे पहले इसने लिखा मिस्टर अमित राठौर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हमें जब यहाँ से अकाउंट बनाया है, तो इसके अंदर हमने कहीं अमित राठौर डाला ही नहीं है, कहा था हम दूसरा बना लेते हैं। ये तो हाथ नहीं, इस पर चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एक के सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है, और ग्रुप में क्या डाल दिया संडी, मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, मैं डाल दिया पे ए मेन रोड नियर ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर में डाल दिया, उनका बस दिक्कत।
टेलीफोन नंबर दूसरा होता है। अब यहाँ आता है कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ पर आप डाल दो अमित राठौर। यहाँ पर वो पूछा था ना, यहाँ तो पर्सनल नाम डाल सकते थे, यहाँ पर तो डाल देना ठीक है। फिर लास्ट नंबर पता है ठीक है, नहीं तो यहाँ से डाल क्या नॉर्मली सेव कर दो ठीक है। हो गया। तो इसने कहा कि सबसे ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, मिस्टर अमित राठौर। तो सबसे ऊपर आपका क्या है, अमित राठौर है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अब इसके लिए आप लोग कॉमन कॉमन सेंस लगाओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्लेन एक्स है इसमें हटा, अकाउंट नेम तो रहेंगे, अकाउंट नेम ना हटा के हम क्या रख देते हैं, जब हमने अकाउंट बनाया था इसमें क्या होता है, नहीं इसका क्या फील्ड है, कैप्शन नेम इसका क्या है, ये कॉन्टैक्ट पर्सन। तो यहाँ पर आपको फील्ड क्या लेनी है, कॉन्टैक्ट पर्सन। बिल्कुल होगी भाई, पूरी हर एक इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। तो ये टाइप करने पे नहीं आ रहा है, कंट्रीब्यूशन डालेंगे सी डाल के नहीं उसके ऐसे नहीं आता, आ रहा नहीं आ रहा, सी आ रहा है, एक सी नहीं आ रहा। कहीं दिख रहा है क्या, ब्लॉक करने में ऊपर होगा, मैं सी टाइप कर देना, अकाउंट नेम है, अकाउंट एलियास नेम है, अकाउंट प्रिंट नेम है, एड्रेस आ गया उसका, फिर तो टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, ये रहा अकाउंट कॉन्टैक्ट। अकाउंट कॉन्टैक्ट में क्या डाल देंगे, मिस्टर अमित, मतलब मिस्टर लिख देंगे, और उसके बाद अमित अपने आप ही आएगा ना, क्योंकि अमित तो उठाएगा उठाएगा फील्ड से, आ गया, और इसको सेव कर देंगे। देखो इसे करने से बेनिफिट क्या हुआ, जब मैं इसका बार कोड निकालूंगा यहाँ से तो वहाँ पर अमित अपने आप आ जाएगा। आ गया मिस्टर अमित ठीक है, लेकिन इसने बिल्कुल कोने में रखा है इसको, है इसको थोड़ा दोबारा से हम चेंज करते हैं। कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ही आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और जो बारकोड की फील्ड है इस फील्ड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और बिल्कुल यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, वहाँ से लेफ्ट में कर सकते हैं, कर देंगे ना। फिर इसके बाद इसका मोबाइल नंबर भी है ना, फिर मोबाइल नंबर तो कहाँ लिखेगा, ये इसमें पैरामीटर वगैरह तो ऑन करने रखा, उसके बाद तुमने नाम कैसे खा लिया अपना, कौन सा मतलब अमित राठौर अपने, अरे तो तूने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब, ए के सॉफ्टवेयर यहाँ डाला नहीं हमने अमित राठौर, और यहाँ पर हमने फील्ड में क्या लिया है कि वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट में नाम हो वो आप यहाँ पर उठा दो, अंडरलाइन यहाँ से हटा दो ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका मोबाइल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, एक फील्ड को लाएंगे, और मोबाइल नंबर इन्होंने मैनुअली डाल दिया, लेकिन आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ लिख दो डाटा फील्ड, उसमें क्या ले लो मोबाइल नंबर, कहाँ डाले, इधर डाला तो है, लेकिन इन्होंने पीएच करके लिखते ना मोबाइल नंबर के लिए, ताकि उसको पता चले ये मोबाइल नंबर है, कहाँ है मोबाइल नंबर दिखे यहाँ, ऊपर नहीं चला गया, ये ऐसे लिखा नहीं होता इसमें कि मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ रहा, तो लाइन नंबर, तो वो लाइन नंबर क्लिक कर लो वहाँ से, मतलब ऐसे लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लिखा हुआ रहा ना, लाइन वन नहीं है, एड ध्यान से, पर अकाउंट एड्रेस लाइन वन, अकाउंट एड्रेस लाइन टू, मतलब उसमें भी ऑप्शन होगा ना, ऐसे सेम कर कैसे ऊपर आ रहा है नेम, आधा नीचे आ रहा है, नहीं इसका मतलब ये है कि इसमें चार लाइन होते हैं, जब आप एड्रेस लिखते हो ना किसी का, तो उसमें आपके चार ऑप्शन होते हैं, ये होती है पहली लाइन एड्रेस लाइन वन, ये आपके एड्रेस टू, आधा नीचे आना, और ये कहने का मतलब ये पहली लाइन है दूसरी लाइन, ये मतलब ये नहीं है कि इन्होंने उठा के दे दी कि ये फॉर्मेट है, अब आपके ऊपर कैसे इसको चेंजेस करने। जैसे मुझे यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं इसमें क्या ढूंढ रहा हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, मोबाइल नंबर मिल जाए, लेकिन देखो इस समय खड़ा कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर, तो उस पर क्लिक करो और डाटा के अंदर जाकर ढूंढो मोबाइल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट एलियास, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर लगोगे ना, मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं,
मोबाइल नंबर ही लिखा होता ना वहाँ पर जब आप बनाते हो ले जाओ तो मोबाइल भी तो सर कॉन्टैक्ट नंबर कहते कंपनी के टेलीफोन नंबर भी होते हैं, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर होता है ना, एक तो लैंडलाइन नंबर सबके पास ही होता है कंपनी में, एक पर्सनल होता है ये रहा अकाउंट मोबाइल नंबर, ठीक है आ गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, कंपनी का जो भी नाम है, एक है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, तो इसी को हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर एड्रेस उनको क्या कर देते हैं हम लोग अकाउंट नेम डाल देते हैं, कि जो भी अकाउंट्स का नेम है वो क्या कर दो यहाँ से उठा लो, इसके अंदर अंडरलाइन चाहिए तो आप क्या कर दो यहाँ से अंडरलाइन उठा लो, ठीक है। उसके बाद उसका फिर एड्रेस और फिर उसका वो चाहिए सर, तो यहाँ पर लाइन वन है, इसको कितना कर दो आप फर्स्ट लाइन, इसको आप टू लाइन, और इसको आप थ्री, ओके कर दो, सेव कर दो, क्विट करो, और यहाँ से आओ वन अकाउंट ओके। और देखो जैसे जो नाम टाइप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जैसा आपके पास यहाँ से आया था। आगे इसमें अगर थोड़ा सा आप लुक दे दोगे तो और स्टाइलिश हो जाएगा, तो इसलिए हम कोरियर जब निकालते हैं तो हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छा कर सकते हो, इन्होंने खाली निकाला छाप दिया, इसको अलग से दे दो एक पैटर्न में और एक सिक्वेंस में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऊपर कमेंट डाल दो जय माता जी, ऐसे जो आप लोग कमेंट डालना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो, एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाके ताकि वो कमेंट बना रहे, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो कि अगर कोई क्वारी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लो, तो मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अकाउंट बारकोड होता है, कि अगर अकाउंट्स के हिसाब से आपको बारकोड निकालना है तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे यहाँ से, इसके अंदर आपको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, ओनली फॉर अकाउंट्स और किसी चीज़ की नहीं होगी, ठीक है। तो ये अकाउंट्स बारकोड होता है, तो आपको समझ में आ गया, ये एक होता है आइटम बारकोड, एक होता है आपका अकाउंट बारकोड, ठीक है। तो आप बैठ के अब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।